इस दुनिया में बहुत सारा अजीबोगरीब लोग है, बहुत सारे कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बना के इल्यूमिनेट के बारे में, या फिर वैक्सीन के बारे में, ये के बारे में, अब कोविड के बारे में भी बहुत सारे कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज निकल रहे हैं कि ये एक स्कैम है, ये है वो है, इल्यूमिनेट का एजेंडा है, ये है वो है, पर इसका कोई गुड साइड इफेक्ट्स नहीं। और भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जैसे वैक्सीन एक मार्कोव का बीज के क्रिश्चियन के कुकिंग, पर मुझे ये समझ नहीं आया कि एक लिक्विड चीज़ के एक मार्क कैसे हो सकता है भाई। ये पहले ये बात मुझे खैर जाएगा, एक्वान केस की बात है तो वो मैं बात करूँ कि बहुत सारे एक्वान केसेस हमें मिला है, जैसे कि पॉल्यूशन कम हुआ है, पहले हम गाड़ी इतनी चल के की जैसे एयर पॉल्यूशन बहुत हो गया था। अब देखो लॉकडाउन की वजह से ना मतलब बहुत सारा पॉल्यूशन कम हो गया है, समझ रहे हो आप। और ऐसा भी नहीं कि कोरोना वायरस डिस्क्रिमिनेशन करता हो कि इसके पास से अगर पैसा है तो मैं इससे नहीं छोड़ दूँगा, गरीब जो गरीब है उनको मैं कोरोना कर दूँगा, नहीं, कोरोना सबको मैं इन्फेक्ट करके अवेयरनेस फैला रहा है, एक नहीं बोल सकते पर एक तरह का अवेयरनेस ही है। और इससे हमें इम्यूनिटी बूस्ट करके इम्यूनिटी इंक्रीज करने का मौका मिला है हमें। पहले तो हम मतलब कुछ भी खा लेके बर्गर पिज्जा ये सब, लेकिन अभी जो हम हेल्थ को लेकर इतने कॉन्शियस है ये हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को राइज करने के लिए बहुत 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 काम का चीज़ हुआ है हमारे लिए हम बॉडी के लिए सब। तो प्लीज़ पहले ये बंद करो कि ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी करना बंद करो कि कोरोना वायरस ये है। मैं ये बताऊँ कि कौन सा ये है जिसमें कोविड के बारे में लिखा है, कोई भी रिलीजियस बुक्स ले लो, कुरान बाइबल में ऐसा कोई कहाँ लिखा है कि एक वायरस आएगा जो कहर मचाएगा, उसी समय मतलब एक चिप लगाया जाएगा या फिर मार्क लगाएगा, वायरस के समय मार्क का बीज लगाया जाएगा, बाइबल का अकॉर्डिंग या फिर फोर हेग में मार्क लगाया जाएगा, ऐसा वायरस के समय कहाँ लिखा है, उसी समय वायरस होगा, ये ऐसा कहाँ लिखा है, मुझे बिल हो या फिर कुरान हो कहाँ लिखा है कि एक वायरस आएगा जो कहर मचाएगा पूरी दुनिया में, उसी समय मार्क का बीज लगाया जाएगा फोर हेग पर। उन लोगों से मेरा सवाल है कि मार्क का जो वो हो जाएगा वो कैसे दिखता है, समझ रहे आप। मार्क में वैक्सीन कौन से एंगल से मार्क पड़ेगा, और मैं बचपन से वैक्सीन लगा बहुत तरह का वैक्सीन लेकर आ रहा हूँ कि इस समय इस डेंजरस के समय में बहुत सारे कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज आप लोग पंग रहे हैं, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप लोग वैक्सीन को एक मार्क कैसे बना सकते हो आप लोग। हाँ, डिपॉपुलेशन एजेंडा भाई, डिपॉपुलेशन एजेंडा का वो मतलब सोच में मरना को सभी को है, डायरेक्टली भी इनडायरेक्टली भी, वायरस भी मर सकते हो या फिर नेचुरली भी मर सकते हो, तुम मीन्स वी कैन डाई एनी वे नेचुरली एंड आखिर हैंगमेड टू। कुरान में ये लिखा गया है कि मुसीबत आएगी, पर ये लिखा गया है कि मुसीबत का मतलब कोरोना ही हो। एक और सवाल है कि ये जो वैक्सीन ना लगने के आपके ठेका लेकर रखा है, ढंगा खोल के रखा है, अल्लाह ने खुद आकाशवाणी की हो कि नहीं मुसलमान भाइयों मैं बहनों कि ये वैक्सीन मत लगाओ, ये मार्क ऑफ द बीस्ट है। फिर किसी मुसलमान के सपने में आकर गया हो कि मोहम्मद अली सलाम नहीं भाई ये वैक्सीन मत लगाओ, ये मार्क ऑफ द बीस्ट है, या फिर किसी क्रिश्चियन के सपने में आकर कहा हो कि नहीं नो माई चाइल्ड इस वैक्सीन इस मार्क ऑफ द बीस्ट में से जीसस क्राइस्ट मोहम्मद या फिर अल्लाह या फिर कोई भी भगवान अगर कहा हो कि ये वैक्सीन मार्क ऑफ द बीस्ट है तो मैं सरेंडर कर जाऊँगा, अगर नहीं तो बकवास।